नमस्कार, आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं बैप्टिसिया टिंटोरिया होम्योपैथिक मेडिसिन की, जिसे हम याद करने की कोशिश करेंगे बहुत ही इजी मेनेमोनिक या फिर ट्रिक के द्वारा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, इसे हमने याद करने का एक ट्रिक बनाया है, बाप को बदबूदार टाइफाइड है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। तो बाप को इससे मीनिंग जाता है बैप्टिसिया, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे बाप और बैप्टिसिया दोनों सिमिलर हैं, तो बाप से बैप्टिसिया टिंटोरिया। इसके बाद बदबूदार, बदबूदार इसलिए लिया गया है क्योंकि इसके जो ऑल द डिस्चार्जेस ऑफ ऑफेंसिव, यानी कि बैप्टिसिया टिंटोरिया का जो पेशेंट होता है उसके सारे डिस्चार्जेस ऑफेंसिव यानी कि बदबूदार होते हैं। इसके बाद टाइफाइड, टाइफाइड जो कि इसका एक मेन सिम्टम है, तो प्रिवेंटिव अगेंस्ट टाइफाइड। तो ये मेडिसिन टाइफाइड के अगेंस्ट प्रिवेंशन क्रिएट करती है। तो ये थे इसके मेन सिम्टम। अब हम आगे की बात कर लेते हैं। तो इसके कुछ मेन सिम्टम ये भी हैं, मोर देन 60% ऑफ अर्ली केसेस ऑफ टाइफाइड पॉइंट टुवार्ड्स बैप्टिसिया। इसके बाद ऑल द डिस्चार्जेस ऑफ द बॉडी सच एज स्टूल, यूरिन, स्वेट एंड अल्सर्स आर वेरी ऑफेंसिव, यानी कि चाहे यूरिन हो, चाहे स्टूल हो, चाहे स्वेट हो, सभी डिस्चार्जेस इसके ऑफेंसिव यानी बदबूदार होते हैं। इसके बाद हम बात करें, इन वाट एवर पोजिशन द पेशेंट लाइज द पार्ट्स रेस्टेड अपॉन फील्स सॉर एंड ब्रस्ट, यानी पेशेंट जब कभी भी किसी पोजिशन में लेटता है तो जो पार्ट इसका जिस पार्ट से लेटा है उस पार्ट को इसे दर्द महसूस होता है और ऐसा लगता है जैसे उस पर कुछ खुरच सा गया हो, ये इसका और सिम्टम है। इसके बाद इसका है एवर्जन टू मेंटल एग्जर्शन, यानी ये कुछ भी मेंटली काम नहीं कर पाता है, इससे प्रॉब्लम होती है। बात करें इसकी टंग की, तो इसकी जो टंग है, टंग को इसके तीन भागों में बांटा गया है, जो कि टंग का सबसे ऊपर का हिस्सा होता है वो ड्राई होता है, क्रैक्ड होता है और अल्सरेटेड होता है। बीच वाला हिस्सा ड्राई एंड येलो ब्राउन होता है एंड सबसे नीचे का हिस्सा यानी कि आउटर साइड का हिस्सा वाइट कोटेड होता है विद रेड पेपिली। तो ये थी बैप्टिसिया टिंटोरिया याद करने का एक मेथड मेडिसिन को। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, और यदि आप चैनल पर नए हैं चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपको आगे भी इस तरह की वीडियो बना के देते रहेंगे। धन्यवाद।